ओके तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्थ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अर्थ ब्लॉग्स। तो गाइज अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की भूमि में, वृंदावन में, और आज है हम लोग का वृंदावन में day 4। तो अभी जो है वो हम लोग का प्लान है वृंदावन से कहीं बाहर जाने का। तो परसों जो है वो हम लोग बरसाना होकर आए थे पर नंदगांव रह गया था, और कल जो है वो हम लोग गोकुल गए थे। तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो डिपेंड करता है कि अगर बस जहाँ की मिलेगी वहाँ चल चलेंगे। और ये आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा जो है वो सीन है। यहाँ पर हम लोग रुके, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर नाम है जहाँ पर हम लोग रुके हैं। यहाँ पर 100-200 सबके रूम है, और अगर आपको यहाँ रुकना होगा तो मैं इनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनको कॉल करके बुकिंग करवा लेना। पर वैसे अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो तो इनका खाली रहता, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। सीज़न में आ रहे हो तो बहुत भीड़ रहती है। देखो यहाँ कुछ बेच रहे हैं, तो गाइस अभी जो है वो हम लोग ने दर्शन कर लिए हनुमान जी के मंदिर में। बहुत ही बढ़िया जो है वो दर्शन हो गए, और काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर जो है वो ये मंदिर है। मेरे ख्याल से इसमें ऊपर रहने का भी है क्योंकि नीचे रिसेप्शन टाइप का बना है। ये देखो ये है वृंदावन धाम। तो अभी जो है वो हम लोग का प्लान है यहाँ से इस्कॉन जाने का, उसके बाद जाने का नंदगांव या बरसाना, तो देखते क्या सीन बनता है। तो गाइस अभी जो है वो हम लोग फाइनली बरसाना जो है वो पहुंच गए हैं, और भैया ने जो है वो बहुत ही बढ़िया गाना गाया। भैया आपका कोई यूट्यूब है? नहीं है, चलाने का मैंने बंद कर दिया बनाना चाहिए हैशटैग है मेरा। तो भैया का इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम बता दीजिएगा, डाल देंगे। राधा कृष्ण बता दीजिए, बता दीजिए एक बार और, राधा कृष्ण स्लैश शुभम। हाँ तो फॉलो कर लीजिएगा इनको जाके इंस्टाग्राम पर। बाकी अभी हम लोग मंदिर के साइड जा रहे हैं, अभी 5 बजे खुलेगा, 2:30 बज रहे हैं अभी, और चलते हैं देखते हैं। तो गाइज अभी जो है वो हम लोग कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं बिकॉज भूख लग रही है थोड़ी सी, तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है खाने को। बाकी ये देखो ये पूरी ऐसे मार्केट है, और वो ऊपर पहाड़ तक जाती है, वो पहाड़ पर जो है वो राधा रानी का मंदिर है। और सबसे बड़ी कृपा वाली बात तो ये है कि अभी हम लोग 4 दिन पहले ही आए थे बरसाना, और ये है 2nd टाइम हम लोग का बरसाने में, मतलब राधा रानी जो फिर से जो है वो बुला लिया बरसाना। एक बार दो बार बिहारी जी के दर्शन हो गए, और दो बार बरसाना आ रहे हम लोग, तो ये तो कृपा वाली ही बात है लोगों के, एक बार नहीं हो पाते इतनी दूर। क्यों भैया? तो गाइस अभी हम लोग जो है वो ये मार्केट में चल रहे हैं, और खाने का जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी सारा दुकानें बंद है, तो हम लोग खीरा ही खा कर रह रहे हैं। बाकी ऊपर मंदिर है तो थोड़ी देर बाद चढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा धूप है, तो धूप जब कम होगी तब चढ़ेंगे क्योंकि पहाड़ है पूरा। बाकी ये देखो ये कुछ इस टाइप की पूरी मार्केट है। तो गाइस अभी जो है वो हम लोग लस्सी पिए हैं यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया जो है वो लस्सी मिल गई, और भीड़ देख सकते हो बढ़ रही है क्योंकि आज जो है वो जन्माष्टमी का दिन है, और इतने पावन दिन जो है वो राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों अभी जो है वो हम लोग बरसाना धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, और ये आप लोग देख सकते हैं सारे पूरे पहाड़ हैं, पूरे जो पहाड़ बने हैं, और आगे अपनी मंडली चल रही है, अपना ग्रुप जो है वो चल रहा है अच्छे से भजन करते हुए, तो इसलिए मैं आप लोग को जो है वो वीडियो डाल दूंगा, आप लोग उसको इन्जॉय करिए, फिर मैं आप लोग से जो है वो मिलता हूँ, आप लोग उसका आनंद लीजिए, इन्जॉय नहीं आनंद लीजिए, फिर मैं आप लोग को मिलता हूँ। और ये देखिए अपना श्री जी का धाम इधर से बहुत सुंदर दिख रहा है, क्या यहाँ पर मज़े आ रहे हैं मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर धूप बाहर बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, वो चल ग्रीक हो रहा है, और ये कुछ इस टाइप का पूरा पर्वत है, बहुत बढ़िया। तो इधर से जो है वो लोग पहाड़ उतर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। सर पे भगवान की पद चिन्ह भी है राधा रानी के पत्र पे। गुलाम तेरो वनवारी स्वामी तेरो, तीनों लोक को स्वामी तेरो। तो अभी हम लोग बरसाने में चल रहे हैं, यार आ गए आप इधर। तो गाइस हम लोग आ गए लाडली जी के महल में, ये था श्री राधा रानी का महल जिसमें वो रहती थी, और हम लोग परिक्रमा मार्ग से आए, तो यहाँ पर पीछे पूरी पार्किंग है, और यहाँ से हम लोग जाते हुए आगे की तरफ जाएंगे, लाडली जी का महल भी आप लोग को दिखाएंगे।
गाइस अभी हम लोग राधा रानी जी के मंदिर में आ चुके हैं और ये है मंदिर। तो गाइज अभी हम लोग जो है वो फाइनली बरसाने से नंदगांव पहुंच चुके हैं, नंद बाबा के गांव में, और अभी जा रहे हैं मंदिर में। हम लोग का ये पूरा ग्रुप है, टोटो में बैठ के आया भाई किसी तरह, पर फाइनली आ गए। यहाँ से 8-9 किलोमीटर था और उधर आपको जो है वो मंदिर दिखेगा, तो चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली नंद बाबा के मंदिर में जो है वो आ चुके हैं और ये था नंद महल, बहुत ही खूबसूरत है।